वेलकम बैक टू माई स्टडी चैनल फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज ऑन द टॉपिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रेंड्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एस एस पी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट जॉब दैन दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपेशन फॉर योर सिलेक्शन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन जो है वो है द पीपल ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर नाउ यूनियन टेरेटरी द पीपल ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर नाउ यूनियन टेरेटरी लार्जली इंगेज इन बिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हेयर आंसर इज़ यहाँ पे आंसर क्या है आंसर बनता है एग्रीकल्चर आर प्राइमरी सेक्टर Next question is consider the following statements first is agriculture is the predominant sector in the economy of Jammu and Kashmir now union territory next is agriculture sector contributes nearly 16% of the union territory gsdp next is with the introduction of planned development in the union territory production of food grains and fruits has increased considerably फोर्थ बन इज द ग्रीन रेबोल्यूशन हैज़ फेयर रिचिंग इफेक्ट इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ द यूनियन टेरेटरी सो विच ऑफ द एव स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट हेयर आंसर इज आल ऑफ दिस ये सारे के सारे जितनी बातें ऊपर कही गई हैं सारी के सारी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउ यूनियन टेरेटरी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स तो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी एग्रो नो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो हेयर द राइट आंसर इज टेम्परेट टेम्परेट इज द राइट आंसर तो इसने बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल नेक्स्ट इज टेम्परेट नेक्स्ट इज कोल्ड एर डिजर्ट एरिया नेक्स्ट इज ऑल ऑफ दिस तो आंसर यहाँ पे बनता है टेम्परेट क्वेश्चन नंबर थ्री इज बिच ऑफ द फॉलोइंग तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री का टेम्परेट है नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन में दे रखा है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल लिस्ट टू में है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ कश्मीर तो लिस्ट बनने वाले सारे के सारे ऑप्शन देखते हैं एक बार ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टेम्परेट कोल्ड एरिड डिजर्ट एरिया नेक्स्ट इज कल्टिवेटर्स पैराडाइज लिस्ट टू में है एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ कश्मीर सेकेंड इज लद्दाख थर्ड इज़ कश्मीर वैली एंड फोर्थ वन इज़ जम्मू रीजन तो यहाँ पे हमने क्या करना है कोर्स दिए हैं यहाँ पे तो जो राइट right आंसर है उसको जो है हमने क्या करना है टिक करना है सबसे पहले जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में कौन आता है ये आता है हमारा जम्मू ठीक है जम्मू आता है किसमें जम्मू रीजन आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में टेम्परेट में क्या आता है टेम्परेट में आता है हमारा सेकेंड दैट इज़ लद्दाख ठीक है उसके बाद में टेम्परेट में लद्दाख नहीं आता है टेम्परेट में आता है कश्मीर वैली ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में आता है जम्मू रीजन उसके बाद में नेक्स्ट है टेम्परेट टेम्परेट में आता है कश्मीर वैली उसके बाद में है कोल्ड एरिड डेजर्ट एरिया तो इसमें क्या आता है कोल्ड एरिड डेजर्ट एरिया इसमें आता है हमारा लद्दाख और कल्टिवेटेड स्पैराडाइज में आता है फर्स्ट दैट इज एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ कश्मीर सो हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन ए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव इज बिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी रिस्ट्रिक्ट कल्टीवेटर्सिंग मेडिकल वैल्यू एंड हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ सम एरियाज तो यहाँ पे जो देखो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी रिस्ट्रिक्ट कल्टीवेटर्स फ्राम ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज है फॉलोइंग क्रॉपिंग पैटर्न इज फॉलोड इन द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो फ्रेंड्स हेयर द राइट आंसर इज टू क्रॉप्स ए ईयर यहाँ पे बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू क्रॉप्स ए ईयर कि जो पैटर्न है क्रॉपिंग पैटर्न है वो फॉलो करते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेज़ एंड बीट आर द प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ बिच एरिया तो मेज़ एंड बीट आर द प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ बिच एरिया हेयर द राइट आंसर इज जम्मू रीज़न नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट अगर हम क्वेश्चन नंबर एट की बात करें तो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नोन फॉर द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एशिया सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ जोवनवन वन माउंटेंस बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नोन फॉर द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन्स ऑफ एशिया सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ जावन वन माउंटेंस हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज श्रीनगर श्रीनगर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप यहाँ पे देखो रबड़ दिया है राइस दिया है सैफरान है मिलेट्स है यहाँ पे राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सैफरान ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज़ सैफरान नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच करना है हमने लिस्ट वन जो है कि क्रॉप्स के नाम है और लिस्ट टू में है प्लेस सो ए इज सैफरान बी इज़ तबाकू सी इज़ ऑयल सीड्स और मेज डी में क्या है मेज़ है तो यहाँ पे जो सैफरान कहाँ पे होता है तो सैफरान के लिए आपका आएगा पामपोर ऑप्शन फोर जो है लिस्ट टू में जो फोर है उसके साथ मैच होगा सैफरान सैफरान बिल मैच विद पाम्पोर तबाकू बिल मैच विद कश्मीर वैली ऑयल सीड्स अभी देखो जो ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड कहाँ पे मैच होंगे ऑयल सीड्स मैच होंगे आ, जो आपके ऑयल सीड्स हैं दे विल मैच विद ऑप्शन टू दैट इज़ अनंतनाग एंड श्रीनगर जो ऑयल सीड्स हैं वो अनंतनाग और श्रीनगर में होते हैं और नेक्स्ट इज़ मेज़ मेज़ कहाँ होता है करेवा लैंड इन जम्मू वैली करेवा लैंड इन कश्मीर वैली फर्स्ट वाला जो है सो so, यहाँ पे जो करेक्ट मैच है सैफरान पामपोर तंबाकू कश्मीर वैली ऑयल सीड्स अनंतनाग एंड श्रीनगर एंड मेज करेवा लैंड इन कश्मीर वैली सो आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज फोर थ्री टू वन दिस इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर अलवन बिच ऑफ़ द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रोन इन द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी की तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर कौन सी जो क्रॉप है वो ग्रोन की जाती है यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में तो एप्पल्स है पीअर्स है प्लम्स है ऑल ऑफ दीज है तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज़ ऑल ऑफ दीज दिस इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड ऑफ़ द कश्मीरीज फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कश्मीरीज का जो स्टेपल फूड है वो है राइस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी मैंट्स उसके बारे में है फर्स्ट है यहाँ पे द शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसिस एंड टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश इन द ईयर नाइनटीन एटी टू तो सेकंड में है के सेवेंटी एट एंड के एटी फोर टू हाई जीडिंग वराइटीज ऑफ राइस शुटेबल फॉर हाई रीजन वेयर वेयर क्या है यहां पे यहां पे पूछा गया है कि इन द कश्मीर रीजन बीट ऑयल सीड्स एंड फॉर्डर कल्टिवेशन इज बींग इंट्रोड्यूस्ड एज अ सेकेंड क्रॉप तो फोर्थ वन में है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू एक्सटेंशन ऑफ इरीगेशन इज पार्ट ऑफ द बेसिक एग्रीकल्चर स्ट्रेटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो यहाँ पे पूछा गया है कि बिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एब इज या फिर आर कुरेक्ट तो फ्रेंड्स हेयर द राइट आंसर इज आल ऑफ दीज ये जितनी बातें ऊपर कही गई हैं सारे के सारे कुरेक्ट हैं सो आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन द वैली एंड अकाउंट्स फॉर फिफ्टी परसेंट ऑफ़ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है तो जितना फ्रूट जो है जे एंड के यूनियन टेरेटरी में होता है उसका फिफ्टी परसेंट जो है सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा गया है यहाँ पर तो हेयर द राइट आंसर इज़ सोपोर सोपोर इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्री डोमेंट पोजिशन एमंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी तो हेयर द राइट आंसर इज प्री डोमिनेंट पोजिशन जो है किसकी है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप कौन सी है वो दैट इज एप्पल नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी मैच करना है हमने लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ सो so, मैच वन में जो लिस्ट है सबसे पहले है कैनाल्स लिफ्ट इरिगेशन लेवर सिस्टम उसके बारे में आउटर प्लेन्स तो यहां पे फ्रेंड्स जो कैल्स हैं केनाल्स क्या होता है यूज्ड कैनाल्स जो है वो यूज्ड वेयर वेन एवर वाटर इज अवेलेबल एट द डेफ ऑफ वन आर टू मीटर उसके बारे में नेक्स्ट इज अभी एक चक्कर और है कि इसमें जो यू नो you know, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है केनाल्स यहाँ पे क्या है केनाल्स जो है यहाँ पे जो लिखा है सिस्टम ऑफ इरीगेशन इन द आउटर प्लेन्स एंड ब्रोड वैली ऑफ कश्मीर तो यहाँ पे जो आपका केनाल्स हैं ये इसके साथ मैच होगा आपका सेकंड दैट इज़ सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन द आउटर प्लेन्स एंड ब्रॉड वैली ऑफ कश्मीर नेक्स्ट इज लिफ्ट इगेशन लिफ्ट इरीगेशन क्या होता है पम्पिंग वाटर टू हायर लेवल एंड देन कैरिंग इट टू द फील्ड थ्रो कैनाल्स तो ये पंप करते हैं लिफ्ट मीन्स भी उठाना होता है पंप भी क्या है किस चीज़ को जो है उठाना तो देट इज़ लिफ्ट इरीगेशन आएगा आपका पंपिंग वाले के साथ पम्पिंग वाटर टू हायर लेवल के साथ और जो लिवर सिस्टम है ठीक है लिवर सिस्टम के साथ क्या आएगा लीवर सिस्टम के साथ आपका आएगा फर्स्ट तो फर्स्ट बिल मैच विद लीवर यानी लीवर सिस्टम मीन्स यूज वाटर इज अवेलेबल एट द ऑफ़ डेफ टू मीटर तो लीवर बिल मैच विद लीवर सिस्टम बिल मैच विद यूज वेन एवर वाटर इज अवेलेबल एट द डेफ ऑफ वन आर टू मीटर उसके बाद में आउटर प्लेन्स बिल मैच विद फोर्थ एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक हिल्स ठीक है तो ये था इसका करेक्ट मैस हो द आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज टू थ्री वन फोर ए विल मैच विद सेकेंड बी विल मैच विद थ्री सी विल मैच विद वन एंड डी विल मैच विद फोर नेक्स्ट आ गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रेंड्स इन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या करना पड़ता है हमें सारे के सारे ऑप्शंस वी हैव टू रीड आउट ऑल द ऑप्शंस बिकॉज वी हैव टू रीड आउट ऑल द स्टेटमेंट्स बिकॉज यू नो कंसीडर करना है तो भाई रीड आउट तो करना ही पड़ेगा और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज द लेक्स आर बैलेंसिंग रिसेरबियर फॉर स्ट्रॉन्ग फूड सॉरी फ्लड वाटर एंड सेव डाउन स्ट्रीम एरियाज फ्राम वाटर कोर्स सेकेंड इज द वैली ऑफ जेहलम रिवर एंड द अपर क्रेवास फॉर्म द मेन हाइड्रोजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ द वैली नेक्स्ट इज द हाई एरिया लेबर लैंड आर इरीगेटेड ओनली बाई ट्यूब वेल्स इज द शराबकुल शराबकुल कैनाल इज द ओल्डेस्ट इन द कश्मीर वैली बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन एव हाँ बिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एव या फिर आर इज या फिर आर करेक्ट इन रिगार्ड टू इरीगे सिस्टम इन द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वन टू एंड थ्री ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर वन टू एंड थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एटीन तो मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग क्या है पहला है शाकफुल कैनाल नेक्स्ट इज शा शराबकुल नेक्स्ट इज जहंगर कैनाल नेक्स्ट इज ऋषिपोरा कैनाल तो लिस्ट टू में है रिवर विशभ नेक्स्ट इज रिवर मधुमती नेक्स्ट इज़ हरबन लेक नेक्स्ट इज नल्ला सिंध तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका शेख शाकफुल केनाल बिल मैच विद नल्ला सिंध के साथ उसके बाद में है श्रावकुल केनाल विद मैच बिल मैच विद रिवर यू नो हरबन लेक जो श्रावकुल केनाल है वो मैच होगी हरबन लेक के साथ उसके बारे में है जैनागिर कैनाल बिल बिल मैच विद रिवर मधुमति ऋषिपोरा कैनाल विद बिल, बिल मैच विद रिवर विश सो आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज यू नो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फोर थ्री टू वन इज द करेक्ट मैच नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंडीमेंट्स ऑफ लेह प्लेन् एरिया आर कंसिस्ट ऑफ दो सेंडी जो सेंडिमेंट्स ऑफ लेह प्लेन् एरिया है द सेडिमेंट्स ऑफ ले प्लेन एरिया आर कंसट्स ऑफ तो क्या क्या कंसिस्ट करता है फर्स्ट इज़ मोरनिक मटेरियल और बी इज सील्ड्स ऑफ लैकुस्ट्राइन तो यहाँ पे जो राइट आंसर है बोथ ए एंड पी मोरनिक मटीरियल भी है उसमें ले प्लेन एरिया में क्या क्या है द सेडिमेंट्स ऑफ ले प्लेन एरिया आर कंसट्स ऑफ मोरानिक मटीरियल भी है और सील्ड ऑफ लैक्यूस्ट्राइन भी है उसमें तो सो आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज बोथ ए एंड बी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज द इंटायर लद्दाख रीजन रिसीव्स इरिगेटेड वाटर फॉर कल्टिवेशन फ्रॉम द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज विच ऑफ दॉट एन ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस तो यहाँ पे जो नला है ड्रास है उसके बाद में शुरू है शुरू ये सारी की सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बट जो विश्व है ये ट्रिब्यूटरी नहीं है इसकी सो आंसर इज विश नेक्स्ट इज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द बर्ड आफ्टर तो आफ्टर फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही है आफ्टर चाइना चाइना इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑफ दिंग वेराइटीज ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मलबेरी एरी सिल्क उसके बारे में है तसार तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका ऑल ऑफ दीज यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पूछा गया कि कौन सी किस्म का जो सिल्क है वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में प्रोड्यूस किया जाता है तो आंसर है मलबेरी एरिक सिल्क और तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस ये सारे के सारे नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अभी फिर आ गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द रोटेशन ऑफ कोकून प्रोडक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर नाउ यूनियन टेरिटरी इज ओनली वंस इन अ ईयर नेक्स्ट इज़ इन कर्नाटका द मलबेरी कल्टीवेशन एंड ककून प्रोडक्शन इज़ नॉट ए सीजनल एक्टिविटी फॉर द कल्टीवेटर्स नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर यूनियन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया नेक्स्ट इज द कोकूनस आर प्रिजर्वड प्रॉपरली इन द एग प्रोड्यूसिंग यूनिट्स पॉपुलरली कॉल्ड सिल्क बॉम ग्रेन ग्रेन नेजेज तो यहाँ पे विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एब इज आर करेक्ट तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो थर्ड वाला है थर्ड है जम्मू एंड कश्मीर नाउ यूटी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया तो भाई भारत में विश्व में जो भारत में जो है हमारे प्यारे भारत में नंबर वन पे नहीं है इंडिया सिल्क प्रोडक्शन में तो कौन सी जो स्टेट है वो नंबर वन है किस में सिल्क प्रोडक्शन में ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ठीक है इसका आंसर आपने यहाँ पे देना है फ़िलहाल यहाँ पे जो आंसर है आपका वो है आपका वन टू एंड फोर यानी कि ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं कौन सी वन टू और फोर और थर्ड वाली जो है वो सही नहीं है सो आंसर इज ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर दैट इज़ वन टू फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क बाम्बस ऑन मलबेरी ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क नोन एज द रेयरिंग ऑफ सिल्क बॉम्ब्स ऑन मलबेरी ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क बॉम्ब नोन एज उसे क्या कहते हैं रेरिंग ऑफ़ सिल्क बॉम्स ऑन मलबेरी ट्रीज उसे कहते हैं सैरिकल्चर बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द रेरिंग ऑफ सिल्क बॉम ऑन मलबेरी ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क नोन एज सैरिकल्चर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ कश्मीर इज आल्सो नोन एज कल्टिवेटर पैराडाइज तो यहाँ पे बिच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ कश्मीर इज आल्सो नोन एज कल्टीवेटर्स पेराडाइज आंसर इज टेम्परेट क्या आंसर है टेम्परेट कश्मीर वैली बिच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ कश्मीर इज आल्सो नोन एज कल्टीवेटर्स पेराडाइज आंसर इज टेम्परेट कश्मीर वैली नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ्रॉन कल्टीवेशन इज यूनिक टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटेरी द ओनली अदर कंट्री प्रोड्यूस द सैफरान क्रॉप इज कौन सी कंट्री है देखो यहाँ पे लिखा है कि सैफरान कल्टिवेशन इज़ यूनिक इन जम्मू एंड कश्मीर इन टेरेटरी द ओनली अदर कंट्री प्रोड्यूस सैफरान जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के जो दूसरी कंट्री प्रोड्यूस करती है सैफरान वो कौन सी है वो है हमारा आ, हमारा नहीं वो है स्पेन ठीक है तो उसके बाद में फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक है टॉपिक था हमारा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रेस द बेल आइकन टू गेट आर लेटेस्ट वीडियोस अभी ये जो फास्ट ट्रैक रिविज़न है फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम के ख़त्म होने तक यानी कि जैसे आपका एग्ज़ाम जो है यू नो ट्वेल्व बजे आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और अलेवन बजे तक ये जो आ, हमारा आ, रिविजन है फास्ट ट्रैक रिविजन ये जो कंटिन्यू रहेगा सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक कीजिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे से टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर